पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनाव हैं और नामांकन के दौरान लगातार भारी बवाल की स्थिति है। कल नामांकन के चौथे दिन दक्षिण 24 परगना से बमबारी की खौफनाक तस्वीरें सामने आईं। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जारी बवाल की सबसे खौफनाक तस्वीर। ये तस्वीर दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके की। आरोप, पहली बार चुनाव लड़ने उतरी ISF पार्टी का उम्मीदवार जब BDO ऑफिस में नामांकन करने पहुंचा तो TMC समर्थकों ने बमबारी कर। भावर का जो ISF का जो MLA है वो काल से वो हड़वा, बिनखा, राजरहाट, न्यू टाउन और कुलतोली इधर से सब गुंडा, वो जो गुंडा लोग है वो सबके इकट्ठा करके वो भावर का जो माजराइट एक जगह है वहां से गोली, बमा, बंदूक सब लेकर हमारा जो कर्मी आया है वो नॉमिनेशन के लिए सोनपुर में अटैक किया और भावर विजयगंज बाजार में अटैक किया। हमारे 4-5 लोग इंजर हुआ है और पुलिस भी इंजर हुआ है। ये सब नौशाद सिद्दीकी से तरफ से होता है। तस्वीरें देखी, जब बमबारी शुरू हुई तो इस कदर बदहवासी फैल गई कि लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लग गए। कुछ और तस्वीरें देखी, पलटी हुई गाड़ियां, गाड़ियों के टूटे हुए शीशे। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सियासी रक्त चरित्र की गवाही दे रही हैं। बताया जाता है कि करीब 150 बम बरसाए गए। आज तक की टीम जब भांगर के कथालविया गांव पहुंची तो वहां तोड़फोड़ में शिकार हुई दो गाड़ियों में दो जिंदा बम पड़े मिले। अभी हम मौजूद है दक्षिण 24 परगना की भांगर ब्लॉक में और यहाँ सुबह से राजनीतिक हिंसा जारी है। यहाँ हम लोग अभी दो गाड़ी देख सकते हैं और गाड़ी के अंदर अभी भी बॉम्ब मौजूद है। कैमरा पर्सन तिरंजीत दास को एक बार बोलूँगा दिखाने के लिए, अभी भी गाड़ी के अंदर बॉम्ब दिख रहा है। ये बॉम्ब मौजूद किया गया था यहाँ, जो कहा जा रहा है, जो आरोप किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की एक रिलेटिव का गाड़ी है। ये दो गाड़ी तोड़ दिया गया है, पूरा गाड़ी आप देख सकते हैं, ये विजुअल कैमरा पर्सन क्यूजिन दास दिखा रहा है। और इस ये गाड़ी का सीट के नीचे भी और एक बॉम्ब दिखा रहा है यहाँ पे और सीट के नीचे और एक बॉम्ब यहाँ पर मौजूद है। दोनों गाड़ी के अंदर काफी सारे बॉम्ब मौजूद थे। 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में चुनाव है और नामांकन का आज 5वां दिन। पिछले 4 दिन हिंसक घटनाओं से भरपूर रहे। एक हत्या मुर्शिदाबाद में हो चुकी है, बम फूट चुके हैं, पत्थरबाजी हो चुकी है, नामांकन भरने से रोकने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। हालांकि TMC का कहना है कि विपक्ष के साथ लोग नहीं हैं, इसीलिए वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। कोई वायलेंस नहीं, अभी उन लोगों का लोग नहीं खड़ा होने का। जहां हमारा सर्वभारतीय साधारण संपादक अभिषेक बंदोपाध्याय बोल दिया है, अगर कोई नॉमिनेशन सबमिट कर नहीं पा रहे हैं हमें बोलो, हम लोग तृणमूल कांग्रेस जाके उन लोगों को नॉमिनेशन करवाएंगे। यही वजह है कि BJP और कांग्रेस ने केंद्रीय बल के सुरक्षा घेरे में पंचायत चुनाव कराने की मांग कर डाली और कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला भी आ चुका है, जिसमें तय हुआ कि संवेदनशील जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करना होगा। दक्षिण 24 परगना से राजेश साहा के साथ ऋत्विक मंडल, कोलकाता आज तक। तो पश्चिम बंगाल से बवाल की तस्वीरें आपने देखी और इस पर TMC और BJP के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। BJP TMC पर हिंसा का आरोप लगा रही है, तो वहीं TMC का कहना है कि हार के डर से BJP बौखला गई। स्थिति इतनी भयंकर है, चुनाव घोषणा होते ही पहले दिन से बम बंदूक की आवाज, पहले दिन से मौतें, मर्डर हो रही है। सबसे बड़ी बात है, चुनाव को संचालित करने के लिए जिन सरकारी कर्मचारियों का जिम्मेदारी है तो वो पहले ही इनकार कर चुकी है, जब तक सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय नहीं होगा हम चुनाव कराने नहीं जाएंगे। क्योंकि पिछले चुनाव में कई लोगों की हत्याएं हुई थी, जनरल लोग, वोटर्स, पॉलिटिकल वर्कर के साथ साथ
ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो वोटिंग कराते हैं इनका ऊपर भी अटैक हुआ था, इनका भी मर्डर हुआ था। तो एक भय का वातावरण है, स्वाभाविक, सब चाह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स हो तो फ्री फेयर इलेक्शन होगा। द मेजोरिटी ऑफ द सीट्स आर बीइंग वेल प्रोटेक्टेड, किसमें साबित होता है कि बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम का मनोनर ज्यादा हो गया तृणमूल से। क्यों? तृणमूल दरवाजा खोल दिया, जिसको जिसको वोट मनोनयन देना है आप लेके जाइए, अपना खुशी में जाइए, लेकिन हम लोग खेलेंगे खेल खिलाड़ी का। खेल तो आखिरी खेल होगा ना, खेल का जवाब होगा 10 तारीख 8 बजे को बाद बीजेपी सीपीएम किसी का घर में, और मीडिया नहीं चलेगा, मीडिया एक ही घर में चलेगा, वो टीएमसी का घर।